कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्य इंदौर शहर में विभिन्न सेंटरों पर जमकर चल रहा है, तो वहीं रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार से भी उन्हें वैक्सीनेशन करवाने के लिए पत्र लिखकर कहा गया है कि वह भी फ्रंट लाइन वर्कर है, उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जाए। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के पीआरओ जितेंद्र जयंत ने बुधवार को मीडिया के सामने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, वहीं रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है। उनके मुताबिक वह भी फ्रंट लाइन वर्कर है, ट्रेनों में टिकट चेक करने वाला हर दिन हजारों लोगों के संपर्क में आता है, साथ ही चाहे रिजर्वेशन बुकिंग खिड़की हो या फिर टिकट खिड़की या फिर कोई और विभाग क्यों न हो, रेलवे में नित नए लोगों के संपर्क में आते हैं, किंतु ये वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। रेलवे पीआरओ के मुताबिक उन्होंने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन के लिए पत्र लिखकर निवेदन किया है कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वैक्सीनेशन कार्य शुरू करवाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारी गाड़ी तो आधी जाती रहती है, तो फिर मैंने उसने जहाँ से मैसेज मिला था तो हेमंत भाई ने उसे पूछा क्या चक्कर था, तो बोले कि मैंने उससे देखा ब्रिज से कि दोनों गाड़ियाँ आपने सामने आ रही हैं। अच्छा, तो मैंने कहा सर हमारी गाड़ियाँ तो बगल बगल में चलती हैं, तो लगता था आगे जा। इस वक्त पूरे देश में वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी किस तरह से सुरक्षित है और क्या इन्हें वैक्सीन लगने को लेकर अभी कोई चर्चा हुई है आगे? देखिएगा, रेलवेज एक फ्रंट लाइन स्टाफ होता है। फ्रंट लाइन का मतलब होता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं डायरेक्ट लोगों के टच में आते हैं। हमारा टीटी है, हजार लोगों को डील करता है, स्टेशन पे बुकिंग में है, रिजर्वेशन ऑफिस में है, या हम लोग हैं तो हम लोग फ्रंट में रहते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक हमें वैक्सीनेशन के लिए कोई भी नहीं किया गया है। हम लोगों ने पत्र लिखा है कि हमारे एम्प्लॉय को वैक्सीनेशन लगाया जाए जिससे कि वो लोग सुरक्षित अपनी ड्यूटी कर पाएँ। तो वैक्सीनेशन अभी तक रेलवे स्टेशन पर अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी ये लोग आएँ और स्टेशन पे या हमारे रेलवे कॉलोनी में या रेलवे हॉस्पिटल में आके हमारे जो भी एम्प्लॉई हैं 45 प्लस और जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाएँ ताकि हमारे या कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित हो सके। देखिएगा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का है, पार्ट ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट। तो मेडिकल डिपार्टमेंट अगर चाहे तो हमारे स्टेशन पे पूरा ये कैंप लगा सकता है, अगर नहीं लगा रहा है तो हम लोग उनको आग्रह कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती तो नहीं हो सकती है क्योंकि हम लोग सरकारी लोग हैं, तो अगर वो आएंगे, अगर कैंप लगाते हैं तो हम लोग उनको स्वागत करते हैं। क्या सर स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से क्या भेदभाव समझते हैं कि बहुत समय हो गया रेलवे को लगना चाहिए वैक्सीन? देखिए, भेदभाव नहीं कह सकते क्योंकि वो भी सिस्टम सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम में जिस तरह से वो ड्यूटी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में व्यस्त हैं और उनके यहाँ स्टाफ कम हो सकता है। लेकिन हमारा जो रेलवे का स्टाफ है वो भी फ्रंटलाइन स्टाफ है, बहुत ही गंभीर बीमारी से संक्रमित हो सकता है। तो उसके लिए क्योंकि हमारे हर टीटी और जो भी स्टाफ है जो लोगों के बीच में जाते हैं, हजारों लोगों से संपर्क में आते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हमें रेलवे के लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं, जैसे ही वैक्सीनेशन होता है हम लोग आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।